अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं आपके साथ इंजीनियर मोहम्मद एहसान। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। तो हम आपको बता रहे हैं इसमें जो है, जिसमें 9102 बड़ा कार्ड लगा होता है, बड़ा पावर सप्लाई जिसको सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंस पावर सप्लाई, तो उसकी जगह अगर हमको ये छोटा वाला 9102 लगाना है, ये देखिए छोटा है 9102, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अब क्या करना होगा, तो ये देखिए केबल है इसकी पावर सप्लाई की जो कलर चेंज करती है, निडल को चेंज करती है इधर उधर, तो वो ये केबल है। ये केबल हम खुद से बना कर लाए हैं अभी, ठीक है। ये तो चलिए नीचे चलते हैं। हाँ, पावर सप्लाई ले जाए इसके, बोलिए वाली को। तो हम नीचे आ गए हैं, तो ये देखिए, तो हम इसमें क्या है कि जो है ये है इसमें पावर सप्लाई 9102, ये देखिए ये है पावर सप्लाई 9102, देख रहे हैं, ये है 9102 का पावर सप्लाई, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे इसको, जो इसकी जगह अभी हम छोटा पावर सप्लाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है जैसे प्रॉब्लम आ रही है, महंगा भी है, प्लस इसका कोई काम नहीं है। बहुत सारी मशीनों में ऐसा है, सीक्वेंस का ये कार्ड लगा हुआ है लेकिन वो काम में नहीं आता, सीक्वेंस बिला वजह उसमें लोड भी ज़्यादा होता है, करंट भी ज़्यादा जाता रहता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें सीक्वेंस जो चलता है वह ज़्यादातर 63 बोल्ट वगैरह पे चलता है। तो अब हम इसको निकाल देंगे, इसको निकालने के बाद जो इसमें से 220 की लाइट है वो हम ले लेंगे, और 220-24 जो है वो हम कन्वर्ट कर देंगे छोटे वाले पावर सप्लाई में। छोटे वाले पावर सप्लाई में जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें वोल्टेज 220 और 24 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो उसके बाद हम सारे कनेक्शन कर देंगे उसके। तो जैसे कि अभी देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये है आपकी 3 पिन केबल, 3 पिन है। इस केबल का क्या काम है, ये केबल जो है हेड कार्ड में लाइट वगैरह देती है। ये केबल जो है ये हेड कार्डों में लाइट वगैरह देती है, ये केबल हेड कार्डों में। तो इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा किस में क्या लाइट देता है, देखिए ये रेड तार है, हमेशा रेड अलर्ट लिखा होता है ज़्यादातर, रेड ये प्लस तार होता है हमेशा। ये तो इसमें क्या है, इसमें 24 वोल्ट है हमारे, तो ये जो है ग्रीन वाला जो है इसमें 12 वोल्ट हैं, ये ब्लैक वाला जो है इसमें जो है हमारे ग्राउंड मतलब ज़ीरो है, अर्थिंग का वायर है सिर्फ,
ये आपका अर्थिंग का हो गया, ये 12 वोल्ट हो गए, ये 24 वोल्ट हो गए। तो हर मशीन में कहीं कलर वाई कलर नहीं, ज़रूरी नहीं है कलर वाई कलर हो, लेकिन ये है ज़्यादातर जो है पॉइंट सेम होते हैं, लेकिन तार अलग अलग कलर हो जाते हैं, पॉइंट सेम ही रहते हैं, तो ये अलग अलग जोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता लग पाता है कि जो है क्या करना चाहिए। तो जैसे कि अब हम ये हम बता रहे हैं और तार निकालते हैं हम इसके। देखिए ये है मोटर का, ये भी 3 पिन का है, ये मोटर को सप्लाई देता है, ठीक है। इसमें भी जो है आपके अलग अलग वोल्टेज चलते हैं। ये मोटर जो है आपका कलर चेंज कार्ड में लगा हुआ होता है, जो कलर चेंज कार्ड है आपका वो ये कनेक्टर से यहाँ से पावर सप्लाई से उसमें पावर जाती है, तो इसलिए वो मोटर घूमती है, तो आपकी निडिल चेंज होती है। तो ये आपके कलर चेंज मोटर का हो गया, ये 2 तार मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 3रा तार, ये देखिए ये लगा हुआ था आपका ऊपर, ये देखिए, लेकिन ये छोटा है। ये है आपका, इसमें भी रेड और ब्लैक है। ये है आपके 12 वोल्ट, ये SMPS से हमारे 12 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, ठीक है, और इससे कनेक्ट होकर 12 वोल्ट इस केबल में आ रहे हैं, इस केबल से हेड कार्ड में जा रहे हैं, मतलब सीरीज बन के कनेक्ट होकर इधर के उधर वोल्टेज घूमते रहते हैं। तो और दिखाते हैं आपको, जैसे कि अब ये कनेक्टर है, ठीक है, ये कनेक्टर है। अब इसमें कितने वोल्टेज हैं मैं आपको बताऊं, इसमें 2 तार जो हैं ये पीले वाले आपको 2 तार दिख रहे हैं, ये 2, इसमें 2 ये हैं, 2 ये हैं, ये 63 वोल्ट के हैं। ये पीले जो 2 तार हैं ये आपके, पीले वाले जो 2 तार हैं ये 22 वोल्ट के हैं, 24 वोल्ट के। तो इनको हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से इसको हम काट लेंगे इस तरह से इसको, क्योंकि यहीं से हमको कनेक्शन बनाने हैं, क्योंकि हमें 12 वोल्ट भी लेना 24 और लेना मशीन से ही है। अगर इस कनेक्टर को नहीं काटेंगे तो कहीं और से लेकर आएंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज तो चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कार्ड लगाते हैं जो इसमें लगा हुआ है हमें महंगा पड़ता है, तो इसलिए ये बड़ा भी है और महंगा भी है, तो इसलिए बेहतर ये हम क्यों इतना महंगा काम करें, जब हमारा सस्ते में काम हो सकता है तो हम महंगा काम क्यों करें। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, अब जैसे अब इसमें से ये दोनों पीले तार हम काट लेंगे, 1 और 2, ठीक है। अब हम कनेक्टर को यहीं के यहीं छोड़ देंगे, हमें इससे कोई मैटर नहीं है। अब हमने इसमें से ले लिए हैं कितने, 24 वोल्ट, मशीन बंद है, ये 24 वोल्ट के तार आ गए, ठीक है। ये हमने इसको छीन लिया, अभी कनेक्टर आएगा तो हम उसमें ज्वाइन करेंगे, ये हमारे 24 वोल्ट के तार आ गए, ठीक है। अब ये जो केबल है ये हमारी आपकी जो है कमांड केबल है, ये जो है पावर सप्लाई से CPU में जा रही है, कमांड केबल है, क्योंकि ये आपकी 8 पिन की केबल है, तो इसकी जगह अब हमारी जो है 4 पिन की केबल आ जाएगी, इसकी जगह अब हमारे 4 पिन की केबल आ जाएगी, क्योंकि इसमें 8 पिन का कनेक्शन दिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 पिन का फ़र्क दिया है। तो ये सारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें 220 चाहिए, अब 220 हम कहाँ से लेकर आएंगे। अब 220 के लिए एक कनेक्टर और हम देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ है इसमें 220, कितने हैं इसमें। अब इसको हम जैसे ये काट लेते हैं इसको भी, क्योंकि हमें इसको हम काट देंगे, ठीक है। ये हमने निकाल दिया, ये हमने कनेक्टर जो है निकाल दिया,
अब देखिए हम आपको डिटेल से समझाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कनेक्टर है, ये 220 का, ये देखिए। अब हमने यहाँ इसमें से लिए हैं 220, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, कोशिश करूंगा कि आपको दिखे। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है इसमें 220, ठीक है। अगर हम नहीं भी मीटर से चेक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 220, तो हमने 220 के ये तार ये ले लिए हैं, ठीक है। और ये हमने लिए हैं आपके पीले कलर के जो तार हैं, ये 24 वोल्ट। अब हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, ये देखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 22 वोल्ट 63 वोल्ट। तो हमने बताया था आपको कि जो है ये देखिए, ये पीले जो तार हैं ये 22 वोल्ट के हैं, जो जामनी कलर के हैं वो 63 वोल्ट के हैं। तो हमने 22 ले लिए और 220 ले लिए, लेकिन हमारा कनेक्शन जो आएगा वो इस 5 कनेक्टर में ही आएगा, लेकिन दूसरा जो कार्ड हम लगाएंगे उसमें। तो इस तरह से जो है, अब हम दूसरा जब पावर सप्लाई लेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसी कार्ड में मैंने आपको कम जितने भी कनेक्शन वगैरह हैं समझा दिए हैं। तो ये हम 22 में जोड़ देंगे, उसमें भी पावर सप्लाई में भी छोटे में भी लिखा होता है और इसमें भी लिखा है। तो ये हम 220 में जोड़ देंगे और ये 24 में जोड़ देंगे, कनेक्टर हो जाएगा। बाकी कनेक्टर सेम जैसे लगे हुए थे सारे उस कार्ड में भी लग जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा पावर सप्लाई का जो है काम कंप्लीट हो जाएगा और हमारी मशीन चल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जो है बड़ा वाला पावर सप्लाई जो है 9102 है सीक्वेंस वाला, इसको हटाकर जो है छोटा वाला पावर सप्लाई किस तरह से लगाएं और कैसे कनेक्शन करें, क्योंकि हमने बहुत आसानी से बहुत साफ़ सुथरे तरीके से आपको इसके कनेक्शन वगैरह समझाए हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।